हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चीर के बारे में। ये देखें, ये हमने अब गुड़ को किसी भी कपड़े में ले लें, उसे पीस लें, ठीक है। ये देखें, ये भी हो गया। इसके बाद ये फ्राई पैन में पानी डालना है और गैस थोड़ा हल्का रखना है, इतनी गांच में, ठीक है। जब ये पानी उबलने लग जाएगा उसके बाद ये जो गुड़ पीसा हुआ है इसके अंदर डाल देना, ठीक है। ये ऐसे करो, ये है ना, इसे ऐसे आराम से डाल लेना, ठीक। और कोई चमचा ले लेना, फिर इसकी आंच थोड़ी हल्की कर लेनी और इसकी आंच हल्की रखनी है। इसके ना छोटे छोटे पीस कर लेने ताकि ये जल्दी बन जाए। ये नहीं डालना है, नहीं घी नहीं डाल दो तुमने, इसके अंदर सिर्फ पानी डालना है। इसके छोटे छोटे पीस कर लेने आपने, ये देखें। ये कैसे पता चलता है अभी ये चीड बन चुकी है? ये बताते हैं आपको, थोड़ा बस ये देखें, ये गर्म होती जा रही है, इसे हिलाते जाना है बार बार ऐसे। ये देखें, पानी का कलर भी चेंज हो गया। और ऐसे प्रेल ले लेना, इसके अंदर घी लगा लेना, थोड़ा सा घी लगा लेना, ठीक है। ये ताकि उसके साथ ना चिपक ना जाए ना, फिर तो नहीं। ये देखिए ऐसे करके इसके साथ ऐसे से ना घी लगा लेना, तो थोड़ा इतना ताकि चिपके ना ये। जी, ये थोड़ा सा घी डाल लेना। और इसे लाते रहना है, या बस थोड़ी देर और लगेगी, बन जाएगी। ये देखिए, ये देखें, अब ये उबलने लग गई है, बस थोड़ी देर तक ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये लेस बनते जा रही है, बस थोड़ी देर तक ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, आपने इसको हिलाते हैं ना, रोकना नहीं है क्योंकि ये नीचे गिर सकता है। ये देखें, अब ये तैयार हो गई है, बस कलर इसका हो रहा है चेंज। लीजिए, अब देखते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और आहिस्ता फिर इसका लेसर बनना शुरू हो जाएगा। ये दिखाएं इधर, आपको दिखाइए लेसर बन गए। ये देखिए इधर इनको, ये देखिए बिल्कुल। अब ये देखें, उसका कलर कुछ चेंज हो गया है।
अभी आस्ते आस्ते फिर इसमें लेस बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें अब ये बन गई है, अब इसे किसी प्लेट में उतार लेते हैं। गैस बंद कर, ये देखें अभी तैयार है। अभी इसको ठंडा में रख दें, बस 2-3 मिनट के लिए ठंडा करने रख लें, उसके बाद इसे खा लें। तैयार हो गई, इस तरफ दिखें, ये लेसदार बन गई है। देखें ये देखें, ठीक है, थोड़ा चख के देख लेते हैं, मज़ेदार बनी हुई है। आप इसे घर पर ट्राई करें। ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।